हाँ स्टूडेंट, देखो बीच में वो इसमें एक्सरसाइज भी देखो 1.7 में फ्रैक्शन वाली, उसमें आप जो एक्टिविटी है वो वापस देखो आप एक बार। तो एक्टिविटी में 5 × 5 क्या गया 25, आवाज आ रही है मेरी? 8 × 8 = 64, फिर 56 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 8 आंसर आया। उसके बाद में 60 × 9 54, फिर 8 × 5 40, 10 × 9 90, यानी आप जो टेबल्स है उसको आपको रीड करना है। फिर 8 × 4 = 8 32, 50 को 50 से डिवाइड किया 10, फिर 9 × 7 तो क्या आया 63। मैम आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा, ये उससे ऐसा हो रहा है ना वेदर, उसकी वजह से नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे लिखो 1, आप देखो इसमें जितने और भी है ना इसके अंदर एक्टिविटी वाले, वो आपको अपने आप करने हैं। किसी भी चीज को 0 से मल्टीपल करते जब क्या आता है हमेशा आंसर 0। फिर आगे कितना है देखो, 12 / 4, 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, कितना आएगा क्वेश्चन, कितना आएगा 4 की टेबल में जो 12 है वो कितने नंबर पे आता है? 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। हाँ 36 / 4, अब कौन सा आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 36 से, यानी 4 की टेबल में जो 36 है कितने नंबर पे आएगा, टेबल रीड करते हैं जब 9 जा 9 पे आता है ना, फिर 9 9 जा कितने होते हैं 81। 81। ये आगे जितने भी है आपके स्क्वायर बने हुए, आपको सबको इनको फिल करना है टेबल को रीड करके। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला है, और ये कौन सा है डिवाइड का, ठीक है बेटा, ये आपको कंप्लीट करने अपने आप। और फिर उसके अंदर बाद में जो ग्रिड बनी हुई है इस पे आपको सर्कल बनाने हैं। अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 1.7। क्या है फ्रैक्शन, डेफिनेशन है पहले इसकी, व्हेन वी डिवाइड, व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू इक्वल equal parts the parts are called fraction। ठीक है, वापस रीड करती हूँ। यूनिट का नाम क्या है, फ्रैक्शन। टॉपिक क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू इक्वल पार्ट्स, द पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। जो पार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे ये बनाया हमने, ये होल बनाया है ना, अब इसको इक्वल पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे इसके 2 बना दिए हमने पार्ट 1 और 2, ठीक है, कितने बनाए हमने 2 पार्ट बना दिए, यानी इक्वल हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, यानी 2 अलग अलग भागों में इसको बांट दिया, क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब इसको और डिवाइड कर दिया, कितने
मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया है हमने, 1 2 3 4, तो यही क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। एक एक होल को, एक पूरे पार्ट को अगर हम जितने बचे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वही क्या होता है, फ्रैक्शन होते हैं। अब जैसे टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने है हमारे, 1 2 3 4, 4 टोटल कितना आया हमने, हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब हमने इस पार्ट में क्या कर दिया, कलर कर दिया, हाँ, तो अब कितने हो गए हमारे, 1 पार्ट में तो क्या है हमारे, कलर करा है हमने, हाँ, तो यहाँ बेटा इसमें ये बताना कि कितने पार्ट में कलर है, कितने पार्ट में है कलर, 1 पार्ट में है ना, वो तो आएगा ऊपर, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। फिर वापस से देखो डेफिनेशन, देखो एक बार पहले आप, व्हेन वी डिवाइड, व्हेन वी डिवाइड, जब हम डिवाइड करते हैं होल इनटू इक्वल पार्ट, एक होल होता है चाहे वो सर्कल का हो, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, उसको इक्वल पार्ट में अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया है ना, अब ये 2 पार्ट बन गए, ये भी इक्वल है और ये दोनों क्या इक्वल पार्ट हो गए ना, अब इनको अभी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 में हो गया। अब हमने अभी पूछ रहा है कि इसके 2 पार्ट में हमें क्या करने हैं, कलर फाइंड करने, कितने करने हैं, 2 पार्ट में कलर करने हैं, इसमें कर दिया हमने, 1 में कर दिया एंड 2 में कर दिया, टोटल कितने हमारे पार्ट कितने बने थे, टोटल पार्ट कितने बने थे, 4 बने थे, 4, हाँ, तो टोटल पार्ट को तो हम नीचे लिख देंगे, हमारे कितने थे, 1 2 3 4, 4 बन गए। अब कलर कितने में किया मैंने, कलर कितने में आया हमारा, 2 में, तो वो जो कलर किया उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर, तो 2 अपॉन 4, तो ये क्या बन गया हमारा, फ्रैक्शन, क्या बनाया हमने, फ्रैक्शन। आया समझ में, आया समझ में कैसे बनते फ्रैक्शन, कि कोई भी होल हो, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वो सर्कल का हो, उसको मतलब इक्वल पार्ट में यानी बराबर भागों में उसको बांट देते हैं, वही क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन। फिर उससे क्या बनाना होता है हमें फ्रैक्शन, अब देखो 1 2 3 4, टोटल कितने हमारे, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हुए हमारे, 5, तो उस 5 को हम नीचे लिखेंगे है ना, जितने टोटल होते हैं उसको कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसमें कलर कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, ठीक है, या इसमें कर दिया, अब बताओ कितने में कलर किया मैंने, कितने पार्ट में कलर हुआ, 3 में हो गया, तो उस 3 को हम यहाँ राइट करते, तो ये अपना फ्रैक्शन क्या बन गया, 3 अपॉन 5, क्या बना, 3 अपॉन 5, आया समझ में फ्रैक्शन। अब जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे, अब यूनिट में देखो क्या पूछा है उसने, राइट द फ्रैक्शन शो बाय द शेडेड पार्ट, हमें जो फ्रैक्शन बनाने हैं, तो फर्स्ट वाला जैसे ए वाला लिखा हुआ है, देखो बुक में लिखा हुआ है ना, अब उसमें ये बना हुआ है ना, अब इसका फ्रैक्शन बनाना है हमें, तो क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन बताओ, कैसे बनाएंगे, टोटल पार्ट कितने अपने, टोटल पार्ट कितने हैं, 2, 1 एंड 2, टोटल पार्ट कितने हो गए, 2, तो उस 2 को हम लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब कलर कितने में है, 1 में, देखो बुक के अंदर पेज नंबर 11 पे, तो कितने में कलर है हमारा, 1 में, कलर कितने में है, 1 में, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, कैसे हो गया, 1 अपॉन 2, क्या बना, 1 अपॉन 2। अब नीचे देखो अगला बी का एक्सरसाइज में, बी का देखो पार्ट पूरा बना दिया हमने, इसको इक्वल डिवाइड कर दिया है ना, अब बताओ कितने में कलर है, 1 में कलर है बुक में, उसमें देखो बुक में, अब बताओ फ्रैक्शन बनाओ, कैसे बनाएंगे, ऊपर क्या लिखूं, यहाँ पे क्या राइट करूं, ऊपर तो 1 लिखो, हाँ यहाँ पे 1 आ गया, और नीचे टोटल पार्ट कितने हमारे, 4, तो यहाँ पे हम नीचे 4 लिख दो, तो 1 अपॉन 4, क्या बना हमारा, 1 अपॉन 4। सी में देखो, रेक्टेंगल है, कितने पार्ट है इसके, 1 एंड
टू, तो वन टू थ्री, थ्री पार्ट हो गए। अब कलर कितना किया इसने, वन में इसने क्या कर दिया कलर, ठीक है। हाँ तो अब हमें इसको फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बनाना है पहले हम जो टोटल पार्ट है वो लिखेंगे बेटा। टोटल पार्ट कितने हमारे, थ्री। टोटल पार्ट कितने, थ्री। कलर कितने में, वन में, वन। ये तो यह फ्रैक्शन क्या बना हमारा, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री। आया समझ में। अब है कलर हाफ पार्ट, आपको ये सर्कल दे रखे हैं सेकंड वाले में देखो। चलो एक और बना लेते हैं, इसमें सी तक है, एक डी का और बना लेते हैं ना, वो आपको। चलो अब बनाओ। तो बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हमारे, टू। टोटल पार्ट कितने हैं, टू, और कलर कितने में हमारे, वन। तो वन अपॉन टू यानी हाफ पार्ट हो गया ये। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। हाँ क्वेश्चन नंबर टू, आपको समझ में आया फर्स्ट वाला कैसे बनाने हैं आपको फ्रैक्शन। एक होल होता है वो इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होता है उसी को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन। आप सेकंड में देखो, कलर कलर हाफ पार्ट कितने में करना है आपको, कलर बुक में देखो, कलर बनाया हुआ आपके ए वाला है ना, तो ऐसे है ये बी का देखो। यस मैम। हाँ तो आपको हाफ पार्ट में, तो कलर कितने में करना है आपको, हमारे पार्ट कितने है, टू है, पार्ट कितने में, टू है, तो हमें वन में क्या करना है कलर, यानी हाफ में इसको क्या करना है कलर करना है। ये हाफ में क्या हो गया हमारे कलर, कलर। आप ही अपनी पेंसिल से बुक में करो ये पेंसिल आपके दो। अब देखो, अब इसमें भी फर्स्ट सेकंड वाले में आपको हाफ पार्ट में क्या करने हैं, कलर करने हैं। ये हो गया हमारा सी का, ये ए बी एंड सी, तो अब इसमें भी आपको हाफ पार्ट में कलर करना है। ये लो, तो आपको ये जितने भी है आपको अपनी नोटबुक में भी इनको क्या करना है, बनाना है, और ऐसे ही पेंसिल से, कलर से नहीं पेंसिल से आपको इसमें कलर करना है। अगर क्रेयॉन्स है तो उनसे आप कर सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारा कलर। बी वाले के अंदर भी कलर करना है क्या? हाँ, बी में जैसे हाफ पार्ट है, जैसे हमने इसके टू पार्ट बनाए, एक होल के एक डिजाइन के क्या बना दिए हमने, टू पार्ट बना दिए। अब वन पार्ट में क्या करना है, टोटल तो हमारे कितने पार्ट है, टू पार्ट है, और कलर कितने में करना है, नीचे वाले में या ऊपर वाले में, वो आप पे डिपेंड है बेटा, आप किसी में कर सकते हो। बाकी पार्ट वन में ही आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। अब है कलर वन क्वार्टर पार्ट। अब जैसे फोर का बना हुआ है तो उसमें आपको किसमें कलर करना है, वन पार्ट में ही कलर करना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना है, वन क्वार्टर यानी वन में फोर है तो उसमें से आपको जो वन है उसी में क्या करना है, कलर करना है। मैम सी वाले में भी करना है क्या कलर? हाँ सी में भी करना है ना, सर्कल में भी आपको कलर करना है। आप इसमें देखो, ए का देखो, थ्री वाले में कलर वन हाफ क्वार्टर यानी फोर पार्ट बने हुए हैं हमारे। कितने पार्ट है इसमें, फोर है, फोर है इसमें। अब इसमें आपको किसमें करना है, वन पार्ट में, बी का भाई तुम्हारा ना है
अलीशा, अलीशा बेटा माइक ऑफ करो। मैम यस बेटा, ये ए का नीचे वाला है ना जो आपने चार बॉक्स किए हैं ए का, ये भी इसमें भी कलर भरना है। हाँ, टोटल पार्ट कितने हमारे, 1 2 3 4, फोर पार्ट है, तो कलर में कितना फाइंड करना है हमें, वन पार्ट में क्या करना है, कलर करना है ना। मैम कोई से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, किसी में भी आप बना सकते हो कलर। ये लो। अच्छा, आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप किसमें फिल करते हो, इसमें या इसमें, लेकिन आपको ओनली वन पार्ट में इसको फिल करना है। कौन से पार्ट में करना है? वन पार्ट में ही आपको इसको फिल करना है। फिल करो बेटा आप लोग। वन पार्ट में फिल करो। अब देखो यहाँ पे हमने इसको फिल किया वन पार्ट, बी वाले में भी देखो वन, ठीक है। अब इसमें आपने सी वाले में किया, इधर इसमें भी कलर भरना है। हाँ जी, इसमें भी आपको कलर करना है ना। चलो ये देखो, अब इसमें फोर वाले भी कलर थ्री क्वार्टर, इसमें आपको थ्री पार्ट में क्या करना है, कलर करना है। थ्री पार्ट में क्या करना है, कलर करना है। ये टू में हो गया, साथ साथ में लिखती जाए, ठीक है ना। ये हो गया, इक्वेशन टू करवा रही है वो, कर ले कर ले। ये देख, थ्री वाला देखो, अब थ्री में क्या करना आपको, अब उसमें वन में किया, अब है थ्री क्वार्टर, यानी थ्री पार्ट में आपको क्या करना है, कलर करना है। सेम टू नहीं है बेटा, इसमें देखो पहले वाले में हाफ पार्ट में किया है ना, उसके बाद में हमने फोर्थ थे। मैम आप फोर वाला करा रहे हो क्या? हाँ, अब फोर वाले में देखो, बी का कितने पार्ट बता रहा है वो, क्वेश्चन में देखो कितना पार्ट बता रहा है वो। मैम ठीक है, ये सी का है। अब देखो इसमें कलर थ्री क्वार्टर, यानी थ्री अप वन फोर है, टोटल पार्ट अपने पास फोर है, वो कलर कितने के लिए बोल रहा है, कितने में कलर करने के लिए बोल रहा है वो, थ्री, यानी थ्री पार्ट में हमें क्या करना है, कलर करना है। तो आप इसमें से वन टू थ्री, यानी आपको वन इसमें से क्या करना है, लेफ्ट करना, यानी इसमें वन आपको छोड़ना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये देखो वन पार्ट में कलर हो गया, उसके बाद में ये हो गया टू पार्ट में। आप अपनी बुक में पेंसिल से फिल करो, बुक है उसमें पेंसिल से आपको ये करने हैं, इसमें वन पार्ट होने, टोटल पार्ट कितने हो गए, फोर हो गए, थ्री पार्ट में करना है। देखो यहाँ पे जितना भी लिखा हो, जैसे टू आ गया या फोर आ गया, ऊपर जो राइट किया होता है ना, टू अप वन फाइव, तो आपको जो ऊपर वाले जितने होते उसी में आपको कलर करना होता है, ठीक है। अब फोर इसमें हो गया, ये वाला एंड ये वाला, थ्री में अब देखो मिटाना मार। यस बेटा, चलो आप राइट करो बुक में। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.57 है वो कंप्लीट हो गई है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का आपको समझ में आया ना ऑल स्टूडेंट को, कि फ्रैक्शन क्या होते हैं? व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू इक्वल पार्ट, द पार्ट आर कॉल्ड फ्रैक्शन। जो इक्वल पार्ट में किसी होल को हम डिवाइड करते हैं तो वही क्या बनता है हमारा, फ्रैक्शन। अगर आपको जैसे ये दे दिया कोई है ना, तो आपको बोलेंगे कि हाँ ये लो इसका फ्रैक्शन बनाओ, शेप दे दिया आपको, होल दे दिया, उसका फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, कि टोटल कितने हमारे, 1 2 3 4, फोर तो नीचे लिखोगे जो टोटल होते हैं। मैं बताएं? हाँ जी,
अब उसके बाद में मैंने इसमें कलर कर दिया, इसमें कर दिया। अब पार्ट क्या बना हमारा? टू अप वन, कितने में? हाँ तो कलर कितने में है? वन और टू, तो ये बन गया फोर। ये बेटा एग्जाम्पल है ओनली, तो ये यूनिट है आपकी वो कंप्लीट हो गई। आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को पहले लिखना है, क्वेश्चन को पहले राइट करना है, उसके बाद में ही जो आपका नीचे वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना आपको, ठीक है? जो आपने लिखवाया था वो कहाँ लिखना है? नीचे नीचे वाला वो आप अपनी नोटबुक में कर लो बेटा, ये तो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? तो ये सारे आपको अपनी पेंसिल से, ये क्रियॉन्स है उनसे आपको कलर फिल करके, ये एक्सरसाइज आपको जो एक्सरसाइज है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को एक्सरसाइज? समझ में आई 1.7? तो ऑल स्टूडेंट की जो नोटबुक में 1.7 तक जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए ऑल स्टूडेंट का, और आपकी जो नोटबुक है वो आपको स्कूल में चेक करवानी है, ठीक है? 1.1 से लेके 1.7 तक जो एक्सरसाइज है वो ऑल एक्सरसाइज आपको अपनी जो मैथ की जो फेयर नोटबुक है उसमें आपको इनको करना है, और फिर आपको अपनी नोटबुक को चेक करवाना है। थैंक यू बेटा। आपका